हेलो फ्रेंड्स, मेक मी प्योर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो सवाल हम लेके आए हैं वो है, मई 2024 आपके लिए इकोनॉमिकली कैसा रहेगा? खर्चे ज्यादा होंगे या फिर कमाई ज्यादा होगी? सेविंग्स होंगी या नहीं होंगी? कोई अनएक्सपेक्टेड खर्चे तो सामने नहीं आ जाएंगे? तो आज ऐसे ही कुछ सवालों के बारे में बात करेंगे हमारी आज की इस रीडिंग के माध्यम से। चलिए, मैंने कार्ड्स जो है वो शफल कर लिए हैं, अब इनको स्प्रेड करता हूँ। तो कार्ड्स भी स्प्रेड हो गए हैं, तो बात करते हैं जी मई 2024 में आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी रहेगी। तो इसे बेस लेते हुए कहीं ना कहीं गलतियां नजर आ रही हैं। ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप शायद लोगों के मना करने के बावजूद, अपने प्रियजन जो होते हैं उनकी मना करने के बावजूद कुछ गलत डिसीजन ले लेंगे, जैसे कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना। हो सकता है आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आप हो सकता है कि लोन लेके वो पैसा लगाने वाले हैं, आप हो सकता है कि बिना एक्सपीरियंस के लोगों के देखा देखी में या फिर कोई इंस्टाग्राम की रील्स देखकर आप शायद पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं, जबकि हो सकता है आपके घर वाले या फिर आपके जो फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स हैं वो कहना चाहते हो, आपको रोकना चाहते हो, आपको समझाना चाहते हो कि अगर तुम्हें ये रिस्क लेना भी है, क्योंकि देखो हर किसी के लिए रिस्क ही होता है। जब हम कहीं पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लिखा होता है, स्ट्रेटजी वार्निंग आती है कि ये मार्केट के कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो जब कभी भी हम ऐसा कोई रिस्क लेते हैं, इन्वेस्टमेंट का रिस्क लेते हैं, और वो भी नई जगह पर जिसमें कि अनसर्टिनिटी ज़्यादा होती है, तो हम कोशिश करते हैं कि कम से कम वो दाव खेलें, कम से कम वो जुआ खेलें। इतना जुआ ही तो है, तो वो उन लोगों की बात नहीं सुन रहे, आप अंधाधुंध ऊपर देखते हुए बढ़ते चले जा रहे हैं और शायद आप खाई में गिरने वाले हैं। इस खाई में गिरने की वजह से ही आप शायद डिप्रेसिव भी हो जाएंगे। इसीलिए मैं कहूंगा कि आप मई के महीने में कोशिश कीजिएगा कि कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहते हैं तो पहली चीज तो परहेज रखिए, पर अगर परहेज नहीं रखना चाहते क्योंकि आपको लगता है कि कुछ ना कुछ तो प्रगतिशील चलना चाहिए, तो इफ यू आर बिगनर तो पहली कोशिश कीजिएगा कि ऐसा ना करें मई महीने में, पर फिर भी आप करना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कम अमाउंट के साथ करें। और सबसे बड़ी बात, लोन लेके तो बिल्कुल ना करें। लोन लेकर करने का मतलब है कि एक तरफ पैसा डुबाने की पॉसिबिलिटीज हैं और दूसरी तरफ लोन की वजह से आपके डबल डिप्रेशन में जाने की पॉसिबिलिटीज हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत करें, दूसरों की बातें सुने, समझें, एटलीस्ट ये जानने की कोशिश कीजिए वो कहना क्या चाहते हैं। आप अंधाधुंध चलते रहेंगे तो डेफिनेटली आप किसी ना किसी गड्ढे में गिर जाएंगे, हो सकता है क्लिफ से गिर जाएं, और अगर ऐसा गिरे, मुंह के बल गिरे, तो फिर संभलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। डिप्रेशन आप खुद खरीद रहे हैं, आप मोल ले रहे हैं आप इसको। आप ये नहीं है कि अचानक से डिप्रेशन आ गया किसी वजह से, वो वजह तो आपने खुद ही तैयार की है। और मैं आपको ये कहूंगा कि अगर आप इन चीजों पे ध्यान रखते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी चीजों को बचा के रखेंगे, अपने जितने भी एसेट्स हैं, जितने भी चीजें आपके हाथ में है, चाहे वो कमी है, एटलीस्ट अपनी खुशियों को अपने साथ रख पाएंगे। तो मैं ये कहूंगा कि मई के महीने में इकोनॉमिकल कंडीशन को अगर ठीक रखना है तो फिर प्लीज इन्वेस्टमेंट से बचिए, दूर रहिए, करनी भी पड़े तो थोड़े अमाउंट से कीजिए और लोन लेके तो बिल्कुल मत कीजिए, तभी आपकी कंडीशन ठीक ठाक रह पाएगी। अब आते हैं कि पता चल गया कि इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, तो अब हम आते हैं कि हमारे खर्चे कहीं हमारी हेल्थ इश्यूज पे तो नहीं होंगे, हमारी हेल्थ कैसी रहेगी? और अगर हेल्थ खराब हो तो फिर खर्चे होते हैं, ये आप सब जानते होंगे। तो तीन कार्ड निकाल लेते हैं, यहीं से निकाल लेते हैं। एक, क्या मेरी हेल्थ अच्छी रहेगी, क्या मेरी हेल्थ अच्छी रहेगी? देखिए, हो सकता है थोड़ा बहुत आपकी नींद के साथ कह लीजिए, आपके डर के साथ कह लीजिए कि ये डर जो है डर रहे आपको। देखो, जैसे मैंने पहली रीडिंग बताई कि आपके साथ हो सकता है कि आपको लॉसेस हों, तो वो लॉस का डर हो सकता है, फ्यूचर का डर हो सकता है। फ्यूचर के बारे में आप ये सोच सकते हैं कि अगर मैं हमेशा देरी के बारे में सोचता रहूं या सोचती रहूं तो फिर कमाऊंगी कब या कमाऊंगा कब। तो अगर आप यही सोचते रहेंगे तो डेफिनेटली डर तो लगा ही रहेगा, बना ही रहेगा, और आपको खर्चे हमेशा परेशान करते रहेंगे। हो सकता है वो खर्चे जो है वो परेशान कर रहे हैं या फिर आपके फैमिली मेंबर्स उनकी हेल्थ इश्यूज आपको परेशान कर रहे हैं कि कहीं उसे कुछ ना हो जाए, इसे कुछ ना हो जाए, वो ऑलरेडी बीमार चल रहा है या बीमार चल रही है, क्या वो ठीक हो जाएंगे? तो ये आपको ऐसे ख्याल आ सकते हैं, बट डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन। बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं, बहुत 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 पॉजिटिव कार्ड्स हैं, तो हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहेगी। आई वुड से कि आप कोशिश कीजिए, अब जैसे आप जानते हैं कि इंडिया में जितने भी जमीनी सतह के शहर हैं वहां पर हीट वेव का बहुत अंदेशा है, तो आप कोशिश कीजिए कि दोपहर के टाइम घर से बाहर ना निकलें, या फिर अगर आप ऑफिस में हैं तो ऑफिस में ही रहिए, बाहर का काम मत कीजिए। हो सके तो मैं तो यही कहूंगा कि आप अगर कुछ घर पे मंगवाना चाहते हैं, जैसे हम क्या करते हैं, ब्लिंकिट से कुछ मंगवाते हैं या फिर कहीं किसी ऐप से कुछ मंगवाते हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप
मॉर्निंग आवर्स में मंगवा लीजिए, शाम को मंगवा लीजिए, दोपहर में, वो भी तो इंसान ही है, उनको भी ऐसे मत भगाइए। चीजें तो मंगानी है, मैं मंगाने से मना नहीं कर रहा हूँ, मैं बिजनेस की बात पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा हूँ कि ब्लिंकिट को आप बिजनेस मत दीजिए, आप बिजनेस दीजिए उनको, बट कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा टाइम ऐसा रखिए कि जिस टाइम में उन्हें भी आने में परेशानी ना हो, आफ्टरऑल वो भी तो इंसान है, अगर आपके लिए सेहत जरूरी है तो उनके लिए भी सेहत जरूरी है। जो इतनी गर्मी में बाइक पे या साइकिल पे, मैंने तो कई बार साइकिल पे भी लोगों को डिलीवरीज करते हुए देखा है, तो जो लोग इतनी गर्मी में आते हैं तो सोचिए कि उनके घर में क्या ही कंडीशंस होंगी। तो कोशिश कीजिए कि आप भी उनकी सेहत के लिए कुछ सोचें, उनको दोपहर में बुलाने के बजाय उनको कोशिश कीजिए कि फर्स्ट हाफ में बुला लें, शुरुआत में सुबह सुबह में बुला लें, या फिर कोशिश कीजिए कि जितना हो सके आप शाम के बाद बुलाएं, जैसे 5 बजे के बाद बुलाएं, ताकि वो हीट वेव जो है वो उसका असर कम हो चुका हो और फिर आपके घर पर डिलीवरीज भी होंगी तो इतना ज्यादा गर्मी का प्रकोप उनको नहीं सहना पड़ेगा। तो बस यही कहना चाहूंगा, खुद को भी इंसान समझिए, दूसरों को भी इंसान समझिए, और जितना अपने बारे में सोचते हैं उतना दूसरों के बारे में सोचिए, इन्वेस्टमेंट से बचिए, डिप्रेशन से बचिए, कोई गलतियां मत कीजिए, डर को अपने दूर रखिए, अपने प्रियजनों का ख्याल रखिए, और इस अगर ये सब कुछ करते रहेंगे तो इकोनॉमिकली भी आप सेफ रहेंगे। सो बस यही था आज की रीडिंग में, थैंक यू वेरी मच फॉर गोइंग थ्रू दिस वीडियो, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।